तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग जाने वाले हैं ये ट्रैक्टर को लेकर मेरे मासा के गांव। तो अभी मैं हूँ मेरे मामा के गांव, तो हम लोग जा रहे हैं मेरे मासा के गांव। तो हम लोग ये ट्रैक्टर को लेकर मेरे मासा के गांव क्यों जा रहे हैं, ये सभी मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। तब तक आप ट्रैक्टर के मज़े लीजिए। और हम लोग जा रहे हैं मेरे मामा के लड़का और ये ट्रैक्टर भैया, हम कुल चार लोग जा रहे हैं मेरे मासा के गांव। तब तक आप ट्रैक्टर के मजा लीजिए और रास्तों का मजा लीजिए भाई। तो अभी हमारे गांव में पानी की व्यवस्था के लिए यहां पर खोद काम चालू है। तो तब से ये जीसीबी सारी हमारे गांव में ही है। थोड़ा टाइम हम लोग बैठ जाते हैं ट्रैक्टर में और थोड़ा टाइम हम लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि आप एक टाइम बैठ भी नहीं सकते और एक टाइम खड़े भी नहीं रह सकते, क्योंकि ट्रैक्टर भी इतना उछल कूद करता है। इसलिए मज़ा आती है, हम थोड़े टाइम खड़े रहते हैं, थोड़े टाइम बैठते हैं और इतने खूबसूरत व्यू को इन्जॉय करते हैं भाई। बहुत टाइम से मेरी इच्छा थी कि ट्रैक्टर में, बहुत टाइम से मैं नहीं बैठा हुआ था, तो आज इच्छा पूरी हो गई। मज़ा आ रहा है भाई। इस तरह के ब्यूटीफुल व्यू आप सभी लोगों को एक गांव में तो नहीं मिलेंगे। तो आप जिस भी गांव में रहते हैं, उस गांव के आजू बाजू के सारे गांव घूमिए, तभी आपको पता चलेगा कि आपके गांव में जो भी नहीं है वो आसपास के गांव में है, या फिर आसपास के गांव में जो ब्यूटीफुल व्यू नहीं है वो आपके गाँव में है। मज़ा आता है भाई। तो अभी हम एक गाँव के बीच में से जा रहे हैं। तो गाँव में तो ऐसा ही होता है कि कभी कभी कंप्लीट सीधा रास्ता होता है और कभी कभी गांव के बीच में से जाना पड़ता है। और एक बात तो पता चली गांव में आकर कि चाहे कोई भी गांव कहां पर भी हो, गांव के बीच में से एक नदी तो जरूर बहती है।
देखो, हमको अभी हमारे लेफ्ट साइड थोड़ा जंगल टाइप देखने को मिला है, और ये है नील गाय। बहुत ही कम देखने को मिलती है, पर देखने को मिलती है ज़रूर। अगर आप गांव में आते हो, गांव में रहते हो, तो आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर हमको थोड़ा जंगल टाइप लग रहा है, पर ये बहुत ही छोटी सी जगह है, जंगल नहीं है ये। तो अभी हमको जिस गांव पर पहुंचना था, वो गांव पर हम पहुंच गए। ये गांव का नाम है गोर डका। तो हमको गांव में तो नहीं जाना है, पर हमको डायरेक्ट खेत में ही जाना है। तो हम लोग डायरेक्ट खेत में ही जा रहे हैं। तो जिस जगह पर पहुंचना था, उस जगह पर हम पहुंच गए हैं। और इसको बोलते हैं गुजराती में चारोलू, जो गाय भैंस का खाना है, जो मूंगफली खेत में बनती है, मूंगफली जमीन के अंदर बनती है, उसको खींच लिया जाता है और मूंगफली अलग की जाती है। और मूंगफली अलग करने के बाद जो बचता है वो ये सब होता है, ये गाय भैंस के लिए होता है, और ये गाय भैंस खाती है। तो अभी हमको बस यही काम करना है कि सारा एक इस तरह से हमको भरना है ट्रैक्टर में, और पूरा ट्रैक्टर भरने के बाद हमको घर पर ले जाना है। पहले वाला है मामा का लड़का और दूसरा वाला है मासी का लड़का। तो अब अभी हमने थोड़ा ट्रैक्टर में भर लिया है, तो अभी हम पग के जरिए हम इसको दबा रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे सब कुछ आ जाए, और बाकी का जो बचा है वो हम जो हमारे साथ जो लेकर आए उस पर हम बांध देंगे और उसको हम ट्रैक्टर के ऊपर रख देंगे। We'll be right back.
ट्रैक्टर तो हम लोगों ने पूरा भर लिया, उसके बाद जो कुछ भी बचेगा उसको हम इस तरह से बांधकर ट्रैक्टर के ऊपर एक के ऊपर एक रख देंगे और उसको बांध देंगे, तभी जाकर ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो देख लो, अभी हमने कंप्लीट सब कुछ एक के ऊपर एक रख दिया है, बस उसको अभी बांधने का बाकी है। हम लोग बांध देंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। एक के बाद एक कर कर हमने सारी की सारी डोरी बांध दी है, तो अभी हमारी कंप्लीट राइड चालू हो गई है। और देखो, अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरे मामा और मामा के लड़का दोनों ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम थोड़ी देर में ऊपर जाने वाले हैं, पर अभी तो फिलहाल हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। गोपाल जिंदाबाद भाई। इस तरह से ट्रैक्टर के ऊपर मैं तो पहली बार बैठा हूँ भाई। बहुत ही मजा है, बहुत ही कमाल की फीलिंग है, और रास्ते में ऐसे कमाल के व्यूज आते हैं और भी मजा आ जाती है भाई। आज का दिन तो भाई मेरे लिए बहुत ही स्पेशल रहेगा, मजा आ गई भाई। रात हो गई है और अभी बजे 7:30।